वेरी गुड इवनिंग, वेलकम टू विजयपथ एजुकेशन पालमपुर। आज हिमाचल प्रदेश में 10 मई 2024 को हिमाचल प्रदेश विधानसभा के क्लरिकल का पेपर कंडक्ट करवाया गया, तो उसकी आंसर की के साथ मैं आपके सामने अब जुड़ चुका हूं। जल्दी से आप अपने अपने आंसर जो है वो चेक कर लीजिए, क्या इसके सही आंसर रहेंगे। आंसर की पूरे 100 क्वेश्चन की मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाऊँगा, और जल्दी से एक बार आप चेक कर लीजिए। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का पेपर बिल्कुल इजी लेवल का पूछा गया था, बिल्कुल हाई कट ऑफ जो है वो रहने वाली है, आप मान के चल सकते हैं। जर्नल की कट ऑफ लगभग 90 प्लस जो है वो रहेगी, क्योंकि बिल्कुल आसान पेपर पूछा गया था। 90 प्लस भी मैं कम बता रहा हूँ, 92-93 के आसपास जो है वो रहने वाली, बिल्कुल आसान पेपर जो है वो हिमाचल प्रदेश विधानसभा का पूछा गया था। जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की इस आंसर की को, जल्दी से आप अपने अपने आंसर जो है वो चेक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि कितने आपके एक्यूरेट आंसर हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था, व्हेन इज नेशनल वाटर डे सेलिब्रेटेड। नेशनल वाटर डे सेलिब्रेट किया जाता है 25 जनवरी को। सिर्फ एक ही लैंग्वेज में आपका ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया था, उससे पहले जब एग्ज़ाम हुआ था विधानसभा में तब भी इंग्लिश ही लैंग्वेज में पूछा गया था, तो इस बार चांस था कि शायद बायलिंगुअल में कर दिया जाए, बट ऐसा नहीं है, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। सेकंड क्वेश्चन है, विच स्टेट इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट। ये होता है वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट है, नेम द फर्स्ट इंडियन फीमेल प्लेयर टू विन गोल्ड मेडल इन एशियन गेम्स। तो कमलजीत संधु इनका सही नाम है, ये ऑप्शन सेकंड आपका सही है। रमन मैग्सेसे अवार्ड, ये किस पर्पस के लिए दिया जाता है, इसको एशिया का नोबेल प्राइज भी कहते हैं। ऑप्शन थर्ड, पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एशियन ओरिजिन, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। फिफ्थ का राइट आंसर गुजरात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ, विच स्टेट बॉर्डर टच द मोस्ट स्टेट। कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा स्टेट को टच करता है। क्वेश्चन सिक्स्थ का राइट आंसर रहेगा यूपी। लगभग 9 राज्यों को टच करता है। सेवन्थ क्वेश्चन है, ब्लैक पगोड़ा किसे कहते हैं। सूर्य टेम्पल जो कोणार्क में स्थित है वो इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल लिटरेसी मिशन कब स्टार्ट किया गया था। 1988 को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, कैपिटल ऑफ सिक्किम। देखिए बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन पेपर पूछा गया था, गंगटोक बिल्कुल हाई कट ऑफ रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर 10th, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है। एट प्रेजेंट शक्तिकांत दास 25th नंबर के गवर्नर हैं। नेक्स्ट है, तुंगभद्रा रिवर जो है वो किस रिवर से है, तो ये है किसकी सहायक नदी है, कृष्णा की। ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन मोस्ट प्रोटीन, तो ये सोयाबीन में होता है। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर है। व्हाट आउट द फॉलोइंग स्ट्रेंथ ऑफ ह्यूमन टीथ एंड बोन्स, तो इसमें क्या पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर है। हु वॉज द विक्ट्री ऑफ इंडिया व्हेन रॉलेट एक्ट 1990 वॉज पास्ड, तो सॉरी वाइसरॉय कौन था इंडिया का। सो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन ए है, चेल्म्सफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, हु प्रिसाइड ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा राज्यसभा की इकट्ठी बैठक कौन बुलाता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर है। व्हेन प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी डिड लॉन्च स्वच्छ भारत मिशन अभियान, ये लॉन्च किया था 2 अक्टूबर 2014 को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 17, लास्ट सिख गुरु कौन थे, तो इसका राइट आंसर रहेगा गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर है। बिल्कुल मैं आपको डायरेक्ट आंसर की ही यहां पे बता रहा हूं। 18 क्वेश्चन, फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। बिल्कुल स्टैटिक क्वेश्चन थे, करंट अफेयर के हल्के फुल्के एक दो क्वेश्चन पूछे गए थे, वो भी हिमाचल के सीएम पूछे गए थे, राज्यपाल पूछे गए थे, बाकी और कोई भी करंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं था। बिल्कुल आसान लैंग्वेज का ये पेपर था। 19th है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज द हिल नियर रोहतांग, तो भृगु लेक है। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर पार्लियामेंट पास बिल टू ग्रेट ग्रैंड स्टेटहुड ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बिल पास किया था दिसंबर 1970 को और 25 जनवरी 1971 को इसको जो है वो फिर भारत का 18वां राज्य बना दिया गया था। विच टाउन ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट वॉज नेम्ड किरग्राम, किरग्राम से किसे जानते हैं, तो बैजनाथ को जानते हैं। ऑप्शन
फर्स्ट इसका राइट आंसर है कांगड़ा वैली पेंटिंग, ये एमएस रंधावा से जुड़ी है, ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर है। बिल्कुल स्टैटिक क्वेश्चन थे, डायरेक्ट टू द आंसर, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं थी। मानसरोवर लेक तक अगर जाना है तो एक रास्ता नाथुल्ला से है, नाथुल्ला दर्रा जो है, दूसरा कौन सा है तो लिपुलेज पास, ऑप्शन फर्स्ट जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन 24, शक्ति देवी टेम्पल छत्राड़ी में है, चंबा में है, इसे बनाया गया था मेरू वर्मन के द्वारा। क्वेश्चन में कई बार शक्ति देवी के बजाय छत्राड़ी मंदिर भी काफ़ी बार पूछा जाता है, ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर रहेगा। सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, बड़ा शिगड़ी, थर्ड इसका राइट आंसर है। बिल्कुल आसान पेपर पूछा गया था, हु इज चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान, तो राजस्थान के एट प्रेजेंट टाइम जो चीफ मिनिस्टर हैं भजन लाल शर्मा, ऑप्शन सेकेंड इसका राइट आंसर है। ये अभी कुछ टाइम पहले इलेक्शन हुए थे तब इनको चुना गया था। एट व्हाट प्लेस द तीर्थन स्ट्रीम मीट द ब्यास रिवर, तो 27th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, लार्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28th, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, रेजिंग डे ऑफ खालसा पंथ, बैसाखी क्यों मनाई जाती, तो खालसा पंथ की शुरुआत हुई थी। 29th जियोग्राफिकल एरिया 5, 5, 6, 7, 3 काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, 29th का फोर्थ आंसर राइट है। क्वेश्चन 30 का, मुगल आर्मी कैप्चर्ड कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट इन 1620, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 30 का वो है ऑप्शन फर्स्ट नवाब अली खान। क्वेश्चन नंबर 31, गांधी जी कब फर्स्ट टाइम जो है वो हिमाचल आए थे, शिमला आए थे, तो टोटल 10 बार आए हैं, 1921 में ये पहली बार आए थे, ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32 का, जो शेन वंश है उसके फाउंडर कौन है जो कि डिस्ट्रिक्ट मंडी में है, तो बीर सेन, ऑप्शन फोर्थ इसका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछा गया था, हू इज द गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो शिव प्रताप शुक्ला सभी जानते हैं, हिमाचल में रहते हैं, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। हिमाचल प्रदेश केम इनटू एग्जिस्ट स्टेट ऑफ इंडियन यूनिट, तो 18वां राज्य बना था, अभी बताया था आपको। 35 मृकुला देवी जो मंदिर है वो उदयपुर में है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। 36 ग्रीन कलर जो होता है पत्तों का वो क्लोरोफिल के कारण होता है, और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम एलिमेंट जो है वो पाया जाता है, मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। वंदे मातरम किसने लिखा था, तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा वंदे मातरम लिखा गया, और भारत का राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखा गया था, और उस राष्ट्रगान को ट्रांसलेट किया था सरोजनी नायडू ने। भारत रत्न कब स्टार्ट किया गया, 1954 को इसकी शुरुआत हुई थी। नोबेल प्राइज स्वीडन के द्वारा दिए जाते हैं, टोटल 6 क्षेत्रों में नोबेल प्राइज दिया जाता है। क्वेश्चन 40 था, वर्ल्ड कप फर्स्ट टाइम इंडिया ने कब जीता, तो 1983 में, क्रिकेट की बात की जा रही थी। स्वीटनेस ऑफ मिल्क किस कारण आता है, लैक्टोज के कारण, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। मेजर पार्ट ऑफ फूड क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, विटामिन्स हैं, प्रोटीन है, ये सारे मेजर पार्ट होते हैं एज कम्पेयर टू स्टार्च, ग्लूकोज एंड सेलुलोज। 43 हीमोग्लोबिन क्या करता है, तो मूवमेंट करता है ऑक्सीजन की इन द बॉडी, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। रीजन बाय फिश डाई सून इफ टेकन आउट ऑफ वाटर, तो वो सांस नहीं ले पाती, क्योंकि मछली क्या करती, सांस कहाँ लेती, पानी में लेती, तो जैसे उसको बाहर निकालेंगे वो सांस नहीं ले पाएगी और मर जाएगी, सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है 45, विच पर्सन फ्रॉम इंग्लैंड वॉज द फर्स्ट टू रीच रोहतांग पास, किसने सबसे पहले, इंग्लैंड के व्यक्ति ने रोहतांग पास जो है वो उसको रीच किया था, तो ऑप्शन डी विलियम मूरक्राफ्ट, आपने सुना है इसका राइट आंसर है। डॉग बाइट जब करता तो कौन सी बीमारी होती है, रेबीज की बीमारी होती है, और हिमाचल में इसके जो है वो इंजेक्शन बनाए जाते हैं, रिसर्च सेंटर है इसका डिस्ट्रिक्ट शिमला में। नेक्स्ट है 47th क्वेश्चन, द नेम ऑफ सोशल वर्कर एसोसिएट लोकपाल बिल, लोकपाल बिल जो है वो अन्ना हजारे की ही देन है, आप ये मान सकते हैं, 2013 में लोकपाल बिल आया था और 2010 से जो है वो लगातार स्ट्राइक कर रहे थे अन्ना हजारे जी। नेक्स्ट 48 है, चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो ये सभी जानते हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। करंट अफेयर के सिर्फ 2-3 क्वेश्चन ही पूछे गए थे, बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना
इंडिया एंड चाइना का जो बाउंड्री लाइन है उसे कहा जाता है मैकमोहन लाइन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 1/3 ऑफ मेंबर राज्यसभा रिटायर होते हैं कितने साल के बाद? 2 सालों के बाद रिटायर हो जाते हैं। वैसे 6 साल की उनकी पूरी वो होती है, लेकिन 1/3% जो है वो 2 साल के बाद रिटायर होना स्टार्ट हो जाते हैं। हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ, इसके हेडक्वार्टर जो है वो हेग में है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नीति आयोग जो नया नाम अभी रखा गया है उसका पुराना नाम पूछा, तो प्लानिंग कमीशन योजना आयोग था, 2017 में इसको चेंज करके नीति आयोग कर दिया था, शायद 2015 है, इसको एक बार आप चेक कर लीजिएगा, 2015 आएगा। 53 विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेक सोलर सेल, तो सिलिकन का यूज किया जाता है, बेस्ट सेमीकंडक्टर यूज करते हैं। कनिष्का वॉज किंग ऑफ विच डेंसिटी, तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा, किस वंश के थे ये, इसका राइट आंसर है कुषाण वंश। नेक्स्ट है UNO कब आया था, 55 का राइट आंसर है, 1945 में, और 24 अक्टूबर में आया था, 24 अक्टूबर 1945 में। नेक्स्ट है 56 न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे है, कालापक्कम, ये है तमिलनाडु में, 56 का राइट आंसर ऑप्शन डी है तमिलनाडु। 57 स्पीकर ऑफ लोकसभा, अगर उनको रेजिग्नेशन देना है अपना, तो रिजाइन लेटर जो है वो डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा को दिया जाता है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। विक्टोरिया क्रॉस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में किसको मिला था, हिमाचल के, तो भंडारी राम बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखते हैं। आपको जीके में सारा ये करवाया गया है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो हमारे पढ़ाए जीके में से, हमारे नोट्स में से जो है वो बाहर हो, बिल्कुल टू द पॉइंट क्वेश्चन आंसर पूछे गए थे। स्टैटिक जीके के क्वेश्चन जो है ये पूछे गए थे। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन एक्ट्रेस टू रिसीव द पद्मश्री अवार्ड, किसको मिला था, 59 का ऑप्शन नंबर सी नरगिस दत्त जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट 60 क्वेश्चन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑफ ग्रैंड पैराडोन, इसका जो राइट आंसर रहेगा 60 का वो ऑप्शन नंबर बी रहेगा, 72। नेक्स्ट हिंदी के 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, देन इंग्लिश के 20 क्वेश्चन, इनको डिस्कस करते हैं। 61 का राइट आंसर है, जो धन का दुरुपयोग करता है उसे क्या कहा जाता है, अपव्यय कहा जाता है। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है सारे के सारे। किसान खेत में हल चला रहा है, इसमें हल चलाना क्या है, तो ये एक क्रिया है, क्रिया कर रहा है। विद्वान का सही लिंग परिवर्तन क्या है, तो विद्वान का जो होता है वो होता है विदुषी, 4th इसका राइट आंसर है। 8 आंसु रोना, इसका मतलब होता है फूट फूट कर रोना, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। दास का पर्यायवाची पूछा था, तो 65 का राइट आंसर किंकर आएगा, दास का ये पर्यायवाची होता है। संधि प्रकार आपको बताना था, दुर्वचन ये जो है वो कौन सी संधि है, स्वर संधि है, इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर है। कोई कुछ सर्वनाम का कौन सा भेद है, कोई कुछ पूछा गया है, अनिश्चयवाचक है, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। 68 त्राही त्राही किसका बोधक है, तो ये कुछ भी नहीं है, ऑप्शन 4th इसका राइट आंसर आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण है, इस साल कम पैदावार हुई, तो ये परिणामवाचक विशेषण है, और ये आपका जो है वो पंचायत सेक्रेटरी 2015 के पेपर में पूछा गया है। ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ये पंचायत सेक्रेटरी में पूछा गया था 2015 में। नेक्स्ट है सही शब्द चुनिए, सही शब्द आपको चुनना है, 70 का राइट आंसर है आपका। विशिष्ट इस तरह से लिखा जाता है, 71 सर्वथा किससे भिन्न है, तो अकेले से भिन्न है, क्योंकि आपको यहाँ पे बताना था एक तरीके का आपका क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, चारों में से कौन सा एक अलग शब्द है, तो चुपचाप एकांत और सुनसान जो है वो एक तरह के हैं, और अकेला जो है वो थोड़ा अलग है। शुद्ध शब्द आपको बताना था, त्रिकोण इस तरीके से लिखा जाता, ऑप्शन 4th राइट आंसर है। 73 सेवक शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या है, इसका राइट आंसर रहेगा सेवा, इसकी भाववाचक संज्ञा है। धनवती का पुलिंग क्या है, धनवती का पुलिंग है धनवान, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्द को क्या कहा जाता है, तो उन्हें समास कहते हैं, थर्ड ऑप्शन राइट आंसर है। दामिनी शब्द का पर्यायवाची क्या है, इसका पर्यायवाची विद्युत होगा,
ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर है। वह स्टेशन पहुंचा और गाड़ी छूट गई। ये आपको हिंदी की क्लास में करवाया गया है, पेड क्लासेस के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको ये पता होगा। सारे क्वेश्चन आपको कराए गए हैं। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर रहेगा, मिश्रित वाक्य। अगला प्रश्न है, कान पर जू रेंगना मुहावरे का अर्थ क्या है। 78th क्वेश्चन का ऑप्शन फर्स्ट, किसी बात का असर ना होना, ये सही उत्तर है। उसर शब्द का विलोम क्या है। 79 का राइट आंसर रहेगा उर्वर, ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट है 80 क्वेश्चन, उत्तम शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो उत्तम यानी कि प्रथम जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट 81 से हमारे इंग्लिश के क्वेश्चन स्टार्ट थे, इनको डिस्कस करते हैं। मीनिंग ऑफ वंस इन ब्लू मून, इसका जो राइट आंसर रहेगा 81 का वो है वन रेयर ओकेशन, ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर है 81 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, वन वर्ड फॉर टू एग्जामिन वन ओन थॉट एंड फीलिंग, जो इसका राइट आंसर रहेगा 82 का वो है ऑप्शन नंबर थर्ड इंट्रोस्पेक्शन। 83 स्प्लाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, आपको यहाँ पे चूज करनी थी, ए ब्रेव मैन लूज हर्ट, तो यहाँ पे क्या इसका राइट आंसर रहेगा 83 का, ऑप्शन बी डज नॉट लूज, सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर है। 84 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है बोरिंग, इंटरेस्टिंग का जो अपोजिट होगा वो बोरिंग होगा। 85 आपको वॉइस चेंज करनी थी, 85 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वी शैल नॉट हैव बीन कॉन्ग्रेचुलेट बाय देम, ये भी आपका पंचायत सेक्रेटरी 2015 का आपका क्वेश्चन है, वहीं से आपके लगभग 3-4 क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे। नेक्स्ट 86 89 में आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। 86 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होगा हम। 87 का राइट आंसर आएगा प्रोहिबिटेड, ऑप्शन फर्स्ट। 88 आई डैश पे, तो इसका राइट आंसर आएगा आई विल पे, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट है ही डील, किसके साथ डील कर रहा है, इन स्टेशनरी, ऑप्शन सी राइट आंसर है। यंग वंस ऑफ शीप इज, तो उसको क्या कहा जाता है, शीप के बच्चे को लैम कहा जाता है, ठीक है, भेड़ का जो बच्चा होता है उसका बेबी जो है उसको लैम कहते हैं। 91 था करेक्ट एंटोनिम ऑफ, यहाँ पे 91 क्वेश्चन था, हाँ 91 मेलिस, इसका जो राइट आंसर है वो है गुडविल, ऑप्शन थर्ड, हाँ बिल्कुल सही है। 92 का जो राइट आंसर रहेगा, चूज द वर्ड दैट इज स्पेल करेक्ट आउट, आपको बतानी थी किसकी राइट आंसर यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग है, तो इसका डिसीव ऑप्शन सेकंड राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट 93-94 में आपको यहाँ पे अपोजिट वर्ड जो है वो चूज करने हैं, तो यहाँ पे अनबिलिंग आएगा, पीपल आर अनबिलिंग, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 94 का इसमें हिज अपेयरेंस इन द सेंस वॉज फीबल, इसमें राइट आंसर जो आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट रोबस्ट। 95 टू केम अक्रॉस, इसका मीनिंग क्या था, तो इसका मीनिंग था ऑप्शन डी टू मीट विद। नेक्स्ट 96 से 100 तक आपको जो फिल इन द ब्लैंक थे वो कंप्लीट करने थे। यहाँ पे प्राइस का आपको पूछा था 96 में, हर लाइफ इज डैश फॉर हर पेरेंट्स, प्राइस से रिलेटेड आपको यहाँ पे जो है वो भरना था। 96 का राइट आंसर आएगा प्राइसलेस। नेक्स्ट है 97 द बेल डैश रिंग एट रेगुलर इंटरवल, तो रिंगिंग इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। 98 का जो राइट आंसर रहेगा वो यहाँ पे आपके पास रहेगा ऑप्शन नंबर सी डिस्पेरिटी। ये आपका SBI क्लैरिकल का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन थोड़ा सा आप लेवल का डाला है, ये आपका SBI क्लैरिकल में आपका ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। नेक्स्ट है ही ऑफन गो फॉर अ वॉक, तो गोज आएगा ऑप्शन सेकेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन था अमेरिका वॉज डिस्कवर्ड बाय, तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर रहेगा। तो ये हमारे टोटल जो है वो आज क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए जो कि आज के एग्जाम में पूछे गए थे। हिमाचल विधानसभा का एग्जाम हुआ था 10 मई 2024 को, जिसकी कंप्लीट आंसर की मैंने आपके साथ डिस्कस की, जल्दी ही इसकी कट ऑफ की वीडियो भी मैं आपके सामने लेके आऊंगा। लेकिन आप ध्यान रखें,
हिमाचल प्रदेश विधानसभा का पेपर बिल्कुल आसान लैंग्वेज में पूछा गया था, बिल्कुल इजी वे में। जर्नल की आप कट ऑफ मान के चल सकते हैं, 93 प्लस जो है वो कट ऑफ रहेगी, क्योंकि सबसे आसान पेपर पूछा गया था, जितना एक्सेप्ट नहीं हमने किया था। ठीक है, तो बिल्कुल आसान पेपर था ये। जितने भी हमारे पेड कोर्सेज के साथ जो है वो बच्चे जुड़े हुए हैं, उनको पता होगा किस तरीके का पेपर जो है वो पूछा जाता है। उनके उनके जो है वो प्रैक्टिस भी उनको करवाई गई थी, और आसान, बिल्कुल आसान इजी लैंग्वेज का पेपर जो है वो आपके पास आज का जो है वो रहा था। बिल्कुल आसान सी भाषा में अगर मैं बताऊँ तो कट ऑफ जो है वो काफ़ी हाई जाने वाली है इस पेपर की। सो आई होप आपके जितने भी क्वेश्चन हैं वो बिल्कुल सही हो, मैक्सिमम आपके 90 प्लस जो क्वेश्चन है वो एक्यूरेट हों, क्योंकि आसान सा पेपर था, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से जुड़े हुए थे, और सबसे आसान सी बात करंट अफेयर के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, सिर्फ दो क्वेश्चन, वो भी हिमाचल के सीएम पूछ लिए एंड गवर्नर पूछ लिए, और बाकी सारे के सारे स्टैटिक जीके के क्वेश्चन थे। और अगर आपने अगर हमारे विजयपथ एजुकेशन के जीके साइंस के अगर नोट्स लिए हैं तो वन लाइनर फॉर्म में टू द पॉइंट आपको सारे के सारे वहाँ पे क्वेश्चन जो थे वो मिल जाएंगे। आई होप आपको ये क्लास जो है वो काफी अच्छी लगी। अब मैं आपको विजयपथ एजुकेशन के कुछ नोट्स के बारे में मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। आप www.vijaypatheducation.com आप गूगल पे आप सर्च कीजिए, हमारी वेबसाइट ओपन होगी, उसके ऊपर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ऊपर आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे फर्स्टली स्कूल स्टूडेंट एंड ज्वाइन फॉर गवर्नमेंट एग्जाम, आप गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इसको सेव करेंगे, और जो यहाँ पे हमारे फीचर्स हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे टेस्ट सीरीज में जाएंगे तो डिफरेंट टेस्ट सीरीज जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। जैसे हमारे डिफरेंट एग्जाम हैं, अग्निवीर के हैं, हिमाचल पटवारी का है, आप देख सकते हैं 199 में आपको सारे के सारे लगभग 20 प्लस क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। एचपी टेट नॉन मेडिकल के क्वेश्चन पेपर हैं, हिमाचल पुलिस के, पंचायत सेक्रेटरी के, एचआरटीसी के, एसएससी जीडी के क्वेश्चन पेपर हैं। उसके साथ साथ आप यहाँ पे वीकली टेस्ट भी लगा सकते हैं, जिसमें लगभग ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। एसएससी जीडी आपके कांस्टेबल के हैं, एसपीओ के हैं, सीएचएसएल के हैं, आर्मी के हैं, ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। लगभग 20 प्लस क्वेश्चन पेपर इसमें आपको हिंदी इंग्लिश बायलैंगुअल मीडियम में देखने को मिलेंगे। हमारे करंट अफेयर सेशन के साथ आप जरूर जुड़िए। अगर आपको डेली की पीडीएफ अगर आपको चाहिए, आप देख सकते हैं 10 मई की आपके लिए हिंदी इंग्लिश एंड बायलैंगुअल अलग अलग आपके लिए अपलोड करवा दी जाती हैं। 9 मई की है, 8 मई, 7 मई, ये आपके डेली रेगुलर बेसिस पे आपको अपलोड करवाई जाती हैं। इसमें आपकी डिस्क्रिप्शन विद एमसीक्यू एंड वन लाइनर क्वेश्चन दोनों ही लैंग्वेज में आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। उसके साथ साथ अगर आप हमारा कोई नोट्स या फिर पीडीएफ अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। स्टोर के ऊपर आप जाइए, आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे कि जीके है आपका, हिस्ट्री का है ये, उसके साथ साथ रीजनिंग की बुक है 249 में, हिंदी की बुक है 69 में, मैथ बायलैंगुअल है, ये आपको बायलैंगुअल लैंग्वेज में मिलेगा। जीके है, इंग्लिश ग्रामर है, इंग्लिश ग्रामर, जीके, हिंदी, मैथ, ये सारे के सारे नोट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अग्निवीर के अगर आपको चाहिए तो अग्निवीर के भी आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। ये आपके लिए हार्ड कॉपी की फॉर्म में यहाँ पे रहेगा। जैसे यहाँ पे अगर मैं रीजनिंग बायलैंगुअल की बुक के अगर आप यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये आपके लिए 249 की है, शिपिंग प्राइस आपका 50 रुपये रहेगा एंड टोटल 299 रुपीज़ की आपको ये देखने को मिलेगी। इसके साथ अगर आप फ्री नोट्स पाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। कोई भी जीके है, केमिस्ट्री से रिलेटेड है, यहाँ पे कंप्यूटर के नोट्स हैं, उसके साथ साथ हमारे जनरल अवेयरनेस के यहाँ पे नोट्स हैं, आर्मी के मॉक्स यहाँ पे डाले गए हैं, यूजीसी नेट हिंदी का यहाँ पे जो है वो प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो डाले गए हैं, आर्मी स्पेशल नोट्स हैं, आप देख सकते हैं। फिजिक्स के डिफरेंट आपके यहाँ पे पीडीएफ जो है वो अपलोड करवा दी गई हैं। साथ में लास्ट अगर आप हमारा कोई ऑनलाइन पेड बैच अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप यहां से ज्वाइन कर सकते हैं। हिमाचल पुलिस, अग्निवीर, एचआरटीसी, हिमाचल, जेल बोर्ड एंड एचपी टेट, आर्ट्स का यहां पे स्टार्ट है, नॉन मेडिकल का भी स्टार्ट है, हिमाचल के पेपर्स के लिए मैथ रीजनिंग दोनों ही बैच हमारे स्टार्ट हैं। अगर आप डिफरेंट मल्टीपल एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं, अगर आप हिमाचल पटवारी की, आप जेल बोर्डन की,
पंचायत सेक्रेटरी की, एचआरटीसी की, डिफरेंट एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो आप बेसिक फाउंडेशन का बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि हमारे कुछ बच्चों के द्वारा ज्वाइन भी किया गया है, और जिसमें हिमाचल विधानसभा का जो अभी एग्जाम आज कंडक्ट करवाया गया, तो इसका फुल मटेरियल आपको इस बैच में देखने को मिलेगा। आई होप आपको जितने भी आज क्वेश्चन यहाँ पे कराए गए वो आपके बिल्कुल सही हों। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट के ऊपर विजिट कर सकते हैं। वीडियो को एक बार शेयर आप ज़रूर कीजिएगा। जल्दी ही नई क्लास के साथ मैं आपसे जुड़ूंगा, तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।